पिछले कुछ दिनों में चमकी बुखार यानी AES ने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी। इस बुखार से अब तक 164 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन अब चमकी बुखार ने गया में भी दस्तक दे दी है। यहाँ गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 जुलाई से अब तक AES के 23 मरीजों को भर्ती किया गया है, जिसमें से 6 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। सभी मरीजों को AES के लिए बनाए गए विशेष वार्ड में रखा गया, जहां डॉक्टर की विशेष टीम लगातार उन पर नजर रखे हुए है। बाहर का टीम तो 2 बार आया, RMRI से आया है और 5-6 डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति भी किया गया है यहाँ पर। और कुछ जरूरत है जो डिमांड की गई थी? नहीं, अभी और कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पर हम लोग, और जिला प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है इस करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग भी पूरा मुस्तैद है, हम लोग मुस्तैद है, कहीं अभी जरूरत नहीं है किसी चीज़। जो नया वार्ड है आप वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? शिफ्ट हो चुका है, मरीज को शिफ्ट हो ही रहा है। गौरतलब है कि चमकी बुखार के लगातार कहर के बीच बिहार सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष भी लगातार बच्चों की मौत को लेकर CM नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।